राम राम भाई। वो सब भाई दिल से राम राम। तो बमोर दे रहे थे थोड़ा स्टूडियो में, राम जी सभी। तो मांगे सिंगर साहब रेडी हो गया। बमोर स्टूडियो में जा रहे थे, तीन चार गाना रिकॉर्डिंग से जो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। सुबह मिल जाओ तो ना चौथ को सो, एक थोड़ो घटर बनाई जो चौथ को सो। तो सब भाई ने सुबह यूट्यूब पर निशा मिना ब्लॉग पर निशा मिना म्यूजिक पर मिल जाओ लोग। तो धन्यवाद भाई, वो तन आगे जा स्टूडियो में मिलाऊंगा। तो दोस्तों रास्ता में आ गया मैं, बमोर घर मां गाँव का बीच में था। तो छोत माता किसे सॉन्ग गा बोले आज? छोत माता तो आए पन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन छोटू जिन के वो करे भाई, आपने जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग डाल वो करिए। सब भाई इंतजार कर रहे सॉन्ग को। छोटू जी का भी बहुत शानदार सॉन्ग आओ, छोटू जी का भी चैनल बाजार देख वो करो। एक सौ बढ़ रहे एक सॉन्ग आओ छोटू जी को। रिकी आज किसी का ला गए कमेंट में जरूर बताओ करो भाई, वो देख लियो जाबा के लिए देख कतरी खुशी हो। गाना गाबा कतरी रुचि चाहिएगा जो गाना बजा फोटो टाइम न पटक रहा है, देख लियो जाबा खान दो हाथ में तेरी लाग रही थी जो भी देख लो। गाना गाबा को शौक जो शौक तो शौक ही रह लो भाई, हमको लोग यहाँ शौक तकड़ो रहे थे। चल चल मांग तो कहीं कौन है दोस्तों। स्टूडियो का समय आ गया, स्टूडियो का समय आप ले यार, जो देख लो बमोर स्टूडियो छोटू जी को स्टूडियो। आज और रिकॉर्डिंग दे भाई जी माता जी के लिए सुबह दाना दे मार दुकान खड़ा आ तक मान था वक्त पर यूज कर सो अब जाओ। खड़ी भाग रहे थे ऐसे आज ही मां के, तो मैं तो आए थे स्टूडियो वाले भाग रहे थे देर रात भाग गए। चल अंदर जाओ। अंदर घुस गया दोस्तों। राम राम जी सब जी। राम राम साहब राम राम। कैसे ठला ठला बैठे आज? आज भेड़ गया रिकॉर्डिंग आज शाम के तरह लेट काले भैया। राम राम छोटू जी। राम राम। राम राम प्रधान भैया। और सुनाओ का हाल चाल हो रहे? बस बढ़िया है। कैसे हम फ्री बैठे थे आज? फ्री हो गया ना, चार पाँच बज गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भी रिकॉर्डिंग वोडिंग दे भाई जी अभी अदरा लेट भाई छोत माता को सॉन्ग काट देता नहीं। आज शाम की का इतना तो लेट किशन टाइम मिल गया था। आज टाइम मिल गया ना जी। लेट ही टाइम मिले था आज काम धंधे साउंड से क्या को काई करे जी करे घर अब्बा से डांड रहे नहीं रहे या सब काम कर रहे हैं। चलो करा ना दे चौथ मत आ गया हुए। हां मेला को। हां मेला को। वाह किसो का वाला था बताओ दे गाना तो बताओ याद ही करना देख लो एक बार पढ़ लो। मैं गाउन च मतलब देख लियो दिख लिया छोटू जी सिंगल को जग छोटू जी के साथ मुझे छोटू जी के साथ मुझे तो फिर गार भी तो सुना। एक कड़ी गार दिखाओ तो पहले मत एक कड़ी गा लियो फिर आओ लो तो सेज ने तो रिकॉर्डिंग दे पे काय फिर रिकॉर्डिंग ना देला जोर से गाओ एक बार गला सु। डोंगर ऊपर बैठी रे चोते मां सपने में आओ मेरे बरबर में यो च दोस्तों हमारा गाना तो देख कसो लागे तो हम बता दी जरूर भी तो रिकॉर्डिंग चालू हो रही। उड़ी जार गार बताऊं ले फिर आज तरसियो की सुनाए था। चल अब उड़ी जार गार बता दे ले जा खा पीने तो मैं देख रही तो गाओगा अब रिकॉर्डिंग चालू छ अब ते गाना केदार जी म्यूजिक दीजो ठीक रेडी। Thank you.
पादुकाऊं तन दर्शन कराऊं सैर करा दू बरवाड़ा की सोत डुकाऊं तन दर्शन करा दू सैर कराऊं बरवाड़ा की एक सॉन्ग गाया है वो सॉन्ग आपको इनके इंस्टाग्राम आईडी पर मिलेगा और माहिंगराज म्यूजिक बम्बोर चैनल यूट्यूब चैनल पर मिलेगा दोस्तों। तो आज इन्होंने वो करके दिखाया है जो इनका जो सपना था वो आज इन्होंने कहा है कि भैया मैं आज बहुत दिनों से मेरे को गाने की थी मगर मैं ये नहीं जानती थी कहाँ से गाना है कहाँ स्टूडियो होगा मगर इन्होंने आज माहिंगराज स्टूडियो में पहली बार आज इन्होंने पहली बार में सिक्स मार दिया ये समझो आप। तो कभी भी इन्होंने गाने का कोई वो नहीं था मगर आज इन्होंने जो गाया है फर्स्ट बार में इन्होंने सुर ताल ले और सब उसमें गाए दोस्तों। तो आज मैं मिलवाता हूं आपको निशा जी से मालूम करते हैं वो कैसा लगा और बाद में इनका जो गाना मैं आपको सुनाता हूं। आज निशा जी मन बहुत बुढ़िया लगे मतलब यहाँ आ रहे और गाणो गाइज में तो मन गाणो मतलब मग्गा बग्गे पहली बहुत जिजगी थी मतलब गावा लागी जब से मैंने खाए जिजग नाटी मतलब बढ़िया सॉन्ग भी गाई जी तो ये मतलब नहीं माइंगला स्टूडियो में कैसे लगे था ना भाई आया पेड़ था ना बढ़िया को जिग जिग तो नहीं ना सन गावा में खाए भी ना और अब आगे सोर गाऊंगा और गाना गाऊंगा मतलब वो देख अब सोच रहा हूँ गाँव नहीं जान अब शादी ब्याह आ रहा है तो तक लेडी साम जान गाड़िया वाले गाओ चे ब्याह में बना बनी का गाना ऐसा गाना ले रहा जो अब गाऊंगा बना बनी का गाना सबका गाऊंगा जख्मी वख्मी सब जख्मी भी गाओ लगे नहीं जख्मी ना गाओ मतलब ऐसा दारी माँ गाएगा कमोरी जी जख्मी गाओ नहीं मैं करते गाओ अच्छा भाई जख्मी वख्मी छोटू जी से मिले था आज तो छोटू जी से मिलकर भी बढ़िया अच्छे लगे मान बताओ। नहीं बहुत बढ़िया लगी निशा जी और आपको बढ़िया व्यवहार से और दोस्तों या ना बढ़िया फॉलो और कर जो लाइक कर जो कमेंट कर जो और या कर जो चैनल से आईडी पे उबद दवार शेयर और या ना बिल्कुल कमेंट कर बताओ या कि आवाज आपने कैसी लगी वह मैं एक गाना में एक पॉइंट आपको मैं सुनाता हूं और पूरा गाना जो इनका ब्लॉक आ रहा है दोस्तों बहुत जल्दी उसमें देखने को मिलेगा। तो निशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज है दोस्तों मैं आपको सुना